subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड, आज हमारे पास जियो का क्या 221 ES मॉडल है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम पावर की प्रॉब्लम आ रही है, हम इसका पूरा सोल्यूशन आपको बताएंगे। इसकी पावर सप्लाई की जो पावर की जो सप्लाई होती है वो कहाँ से आती है, तो इससे इसके लिए हम पहले मोबाइल को ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अभी हम जो कीपैड वाली जो स्टिक है स्टिकर है वो हटा देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। तो ये जो दिख रहा है ये ग्राउंड का हिस्सा है, ये ग्राउंड है और बीच वाला जो पॉइंट है वो है पावर की का प्लस पॉइंट। अभी हम मल्टीमीटर को बजर इन पर सिलेक्ट कर देंगे और कंटिन्यूटी लेंगे, हमारी जो रीडिंग है वो आ रही है या नहीं। अभी देखिए दोस्तों एक ग्राउंड होने जो आपको बताया था, ग्राउंड है, एक ऊपर वाली जो रिंग है पावर वट की वो ग्राउंड है और दूसरी वाली जो बीच वाली है वहाँ पर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। ये मोबाइल जो है गिरने की वजह से ये प्रॉब्लम आ चुकी है, उसकी LCD भी ख़राब हो चुकी है। तो अभी हम पहले इसके पावर की का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए आपको ये मोबाइल का जो कवर है IC कवर ये हटाएंगे। इसी साइड से खोलना दोस्तों, उस साइड से आप अगर खोलेंगे तो वहाँ पे आपको IC है, मेन IC है, वहाँ पे आप देख सकते हैं और वहाँ पे कंपोनेंट डायोड भी बहुत लगी हुई है। और हम ये भी ओपन कर लेंगे जो बचा वाला जो नीचे वाला जो शोल्डरिंग किया वाला ये कवर है वो भी हटाना होगा, उसके सिवा आपको ये सॉल्यूशन नहीं कर सकते। यह भी इसी साइड से ओपन करना ताकि आपकी जो IC है वो डैमेज ना हो। केयरफुली हम अभी इतना ही ओपन कर लेंगे आपको दिखाने के लिए, आप चाहे तो पूरा भी ओपन कर सकते हैं। तो आप हम आपको जो पावर की का सॉल्यूशन है वो आपको कहाँ पर जंपर करना है वो बताएंगे। ये जो काले कलर का रजिस्टर है और एक बड़े वाला जो है वो रजिस्टेंस के तरीके दिखता है और वो कैपेसिटर है, एक साइड से इसकी नेगेटिव सप्लाई आती है मतलब ग्राउंड और दूसरी साइड से जो पावर की जो सप्लाई है प्लस वाली सप्लाई वहाँ पर आती है। ज़्यादातर दोस्तों ये जो छोटा वाला रजिस्टेंस दिख रहा है आपको यही ख़राब होने की वजह से आपकी पावर की सप्लाई कट हो जाती है। आप पहले उसे शॉर्ट करके भी देखिएगा, उसके बाद ही आप ये जंपर कीजिए। अगर आपकी स्टार्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है तो फिर आपको ये जंपर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों हमने जंपर कर लिए हैं, आपको रजिस्टेंस की जो IC की तरफ की जो साइड है वहाँ पर ही जंपर करना है ताकि वो रजिस्टेंस अगर ख़राब होगा, अगर आप सामने से जंपर करेंगे रजिस्टेंस ख़राब होने की वजह से भी सप्लाई नहीं आएंगी। तो अभी हम जंपर कर लिए हैं अंदर साइड वाले अंदर की साइड, ये जो बड़ा वाला रजिस्टेंस की जैसा दिख रहा है वो कैपेसिटर है दोस्तों। अभी हम जंपर कहाँ कनेक्ट करना है यही भी बताएंगे। पहले हम हमारा जो जंपर है वो सही है, काम कर रहा है कि नहीं ये भी चेक कर लेंगे। तो हम बैटरी को अटैच करेंगे और ये जो जंपर वायर है वो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं ये हम पहले चेक करेंगे, उसके बाद ही
जो है हम जम्पर पावर की पर लगाएंगे, तो इसके लिए हम बैटरी अटैच करेंगे। पहले बैटरी अटैच कर ली है, अब ये जो जम्पर है हम ग्राउंड को अटैच करेंगे। क्या हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है? ये हम उसको ग्राउंड को अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारा मोबाइल जो है ऑन हो चुका है, इसका मतलब हमारा जो जम्पर है एकदम सही है। तो अभी हम ये जम्पर है, तो ये जम्पर अभी जो पीसी पर आपको जो पावर की है वहाँ पर कहाँ लगाना है ये भी बताएंगे, क्योंकि आप जब वो बीच वाले पॉइंट पर लगाएंगे तो आपकी जो ऊपर वाली स्टील की ये आती है तो उसके वजह से वो कट जाएंगी। तो इसके लिए जो आपको दिख रहा है हम ये वहाँ पे आपको जम्पर करनी है बाजू में, तो हम आपको इमेज दिखा दे रहे हैं, इमेज से आप समझ जाएंगे कि आपको कहाँ पे जम्पर करनी है। ये देखिए ये ऐसे होकर ये सप्लाई आती है, ये रेजिस्टेंस से होकर कैपेसिटर की एक सिरे पर से होकर ये जो लाइन दिख रही है वो लाइन पर आती है। आप सीधे वो लाइन पर जम्पर कर दीजिए। अगर आपका प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप पावर की जो बीच वाली रिंग है वहाँ पर सप्लाई दे सकते हैं। अभी हम मोबाइल को स्टार्ट करके देखेंगे। आपने तो हमने तो पहले ही चेक कर लिया है, तो हम फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। अभी हम देखिए दोस्तों हमारा जो मोबाइल है वो ऑन हो चुका है। अभी हम पावर की का काम कर लिए है, अभी हम इसकी LCD भी चेंज कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।